जैसे चौधरी देवीलाल जी जो थे वो आज की परिदृश्य से में कुछ और थे। चौधरी देवीलाल 85 MLA छोड़ के गए थे, आज उनमें से कितने हैं? कितने नहीं? और उस वक्त इनके परिवार के कितने थे? नहीं थे ना इतने जी। तो देवीलाल जो थे वो ये ठीक है कि उस वक्त के मतलब आम आदमी से जुड़ने का जो उनका एक तरीका था, जो मानसिक तौर पे सीधे उनसे जुड़ते थे, उनके पास एक कला थी, उस कला ने उनको मतलब आम आदमी का नेता बनाया, ताऊ देवीलाल कहलाए वो। और उन्होंने काम भी किए उस वक्त, जैसे सामाजिक एक सुरक्षा के नाते बुजुर्ग को 100 रुपये पेंशन उन्होंने शुरू करी। खेत के किनारे दरखत जो थे उनमें भी सब उन्होंने दिया, बाढ़ के अंदर ट्रैक्टर भी उन्होंने भेजे, और कर्जे माफ वाली जो बात थी वो भी उन्होंने किए। और वो वक्त भी हमने देखा है जब CM की कोठी से MLA हॉस्टल बतौर मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल आते थे तो उनके साथ एक प्रताप होता था गनमैन सिर्फ। अच्छा, मुख्यमंत्री होते तीसरा आदमी नहीं था, और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता वह MLA हॉस्टल में वैसे बैठे रहा करते, तो उन्होंने जब देखा तो मुँह डेडलवाए वहाँ, और चाय की भी कह भी जो आदमी यहाँ होते इनको चाय भी पिलाया करो। तो वो जनता से जुड़ना जानते थे, और जनता से जुड़ कर ही वो इस उप प्रधानमंत्री के रुतबे तक पहुँचे। लेकिन आज खानदान तो वही है, खानदान वही है, संपत्ति उनके पास कितने पैसे थे, आज वालों के पास कितने हैं, आज वाले कौन कौन सी गाड़ियों में चलते हैं, वो तो अपने साथ। जैसे जलसे में और कोई पुराना आदमी आया और मान लिया वो हेलीकॉप्टर में आए, अरे फलाने आ जा चल तो लेकर चलूँगा, तो हेलीकॉप्टर में अपने साथ बैठा ले जाते। और किसी का काम करना होता तो उसको इशारा भी कर देते कि भी जैसे मुख्यमंत्री के साथ आते अफसरों इतने सियाणे होते हैं ब्यूरोक्रेसी, उसको बताने की जरूरत नहीं।